सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्याज लाइफस्टाइल। तो अभी बज रहे हैं 9:45 बजने वाले हैं रात के, और आज है 28 सितंबर, बस दुर्गा पूजा आने ही वाला है, एकदम घर में आ ही चुका है। आज तृतीया है जब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन है, वो मैं दिखाना चाहती हूँ आप सबको। तो आप कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं दिखाती हूँ आपको। पहले ऑक्सीडाइज से शुरू करते हैं। तो ज़्यादा मेरे पास इयर रिंग्स ही है, क्योंकि मुझे इयर रिंग्स का ज़्यादा शौक है। तो ये देखिए, ये ऐसे है, ऊपर मिरर है और पूरा एकदम ब्लैक पॉलिश में है। बहुत ही ट्रेंडिंग था तो मैंने लिया था, कॉम्बो में लिया था मैंने, बहुत ही सस्ता पड़ा था मुझे, 200 या फिर 220 रुपीज़ ऐसे पड़ा था, टू पीस ऑफ इयर रिंग्स का। तो ये देखिए, अभी नेक्स्ट ये वाला तो आपने देखा ही है, मैंने थोड़े दिन पहले शेयर किया था, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है अभी। ऐसा डिज़ाइन है पीकॉक का, ऐसे काफ़ी हैवी है, थोड़ा भारी भी है। अभी नेक्स्ट एक गोल्ड पॉलिश में है इसी रेंज का, ये मेरी मम्मा खरीद के दी थी। रथ यात्रा का मेला होता है यहाँ पे दुर्गापुर में हमारे, तो मम्मा वहाँ से लेके आई थी मेरे लिए। ये देखिए, रेड कलर में है और गोल्ड पॉलिश का, देख सकते हैं ऐसे, बहुत ही सुंदर है। ये हो गया मेरा थर्ड ईयर रिंग। और ये देखिए, ये टैसल ईयर रिंग्स, ये मेरी बहुत ही अच्छी एक फ्रेंड थी, अभी थी मतलब अभी बात नहीं होती, तो उसने मुझे बना के दिए, वो सीख रही थी तब न्यू में, तो बना के दिया था मुझे, मैं संभाल के रखा है, बहुत सुंदर है। वेस्टर्न के साथ में या फिर प्लेन कुर्तीज़ के साथ में, सॉरी कुर्तीज़ के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। और अभी नेक्स्ट में दिखाते हैं, ये देखिए, ये बहुत ही मतलब यूनिक सा चीज़ है, ये ऐसे देखने को नहीं मिलता आमतौर पे। ये देखिए, ये भी सिल्वर पॉलिश में है, लेकिन ये जो बीच का जो फ्लावर का वर्क देख रहे हैं आप, ये पूरा थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे पेस्टिंग करके पूरा बिठाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत ही यूनिक पीस था, मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, ये ऑफलाइन स्टोर से मैंने बाय किया था, ये ऑनलाइन नहीं है, जो ऑनलाइन है वो तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी नेक्स्ट ये देखिए, ये ब्लैक कलर की टू प्लेन स्टर्ट टाइप्स है, ये बहुत सारे कुर्तीज़ के साथ में चली जाती है, ये भी मैंने संभाल के रखा, ये भी बहुत पुराना है, अभी का नहीं है। ये एक चोकर है सिल्वर पॉलिश में, ये देखिए चोकर है, पूरा स्टोन बिठाया गया है, स्टोन का वर्क है, पूरा सिल्वर में चोकर। और ये टू मैं ऑनलाइन से बाय की थी, मैं दिखा देती हूँ आपको ये, और ये हैवी वाला, ये तो आप देखिए होंगे, ये देखिए, ये दोनों मैं ऑनलाइन से बाय की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये एक सेट है, चोकर प्लस इयर रिंग्स का, ये भी बहुत ट्रेंडिंग था, बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, ये देखिए, प्लेन ऐसे और स्टड्स है दो, ये भी बहुत चला था। और मेरे पास है कि यूनिक सा, दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये देखिए, ये बिल्कुल मुझे मतलब न्यू सेलर था जो मैं ली थी, तो थोड़ा डर लग रहा था मुझे लेने में, लेकिन मैंने फाइनली ले लिया, और ये थोड़ा सा ऑफ़र प्राइस में था, तो मुझे 110 या ऐसे करके मिला था,
बहुत ही खूबसूरत है, एकदम मिरर वर्क में है, नीचे पर्ल है, बीच में ऐसे फ्लावर्स है, बहुत ही यूनिक लगता है देखने में। देखिए तो मैंने बाय कर लिया था, ये भी ऑनलाइन से है, मीशो से है, और ये चोकर सेट भी मीशो से है। ये वाला भी तो बहुत ट्रेंडिंग है, पीकॉक वाला, ये देखिए सभी लोग ने खरीदा होगा शायद, बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, मुझे ऑफर प्राइस में मिल रहा था तो मैं ले ली थी, 35 रुपीज़ पड़ा था ये मुझे फ्री डिलीवरी के साथ में, ये फ्लिपकार्ट से ली थी मैं शॉप से। ये भी काफ़ी अच्छा खासा भारी हेवी सा है, सब बोलते हैं मेरे फेस पे थोड़े बड़े बड़े इयर रिंग ज़्यादा सूट करते हैं, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा बड़ा है इसलिए। तो आप सब बताना कमेंट्स में कि आपको कैसे लग रहे कलेक्शन। और एक और सिल्वर में है वो दिखा देती हूँ, उसके बाद में गोल्डन कलेक्शन में जाती हूँ। ये भी मैंने मीशो से ही बाय किया, ये मैं बर्थडे वाले ब्लॉग में पहनी थी, आप सबने देखा होगा ऐसे ये हेयर में टाई करते हैं ऐसे, और इसको ऐसे इयर रिंग की तरह पहनते हैं, टेम्पल डिज़ाइन। ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक था इसलिए ले लिया था मैंने, ये भी मीशो से है। चलिए अभी चलते हैं गोल्डन कलेक्शन पे। सबसे पहले ये दो स्टोर्स देखिए, ये ऑफलाइन स्टोर्स है, ये वेस्टर्न गाउन के साथ में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये मैंने ऑफलाइन बाय किया था, बहुत साल हो गया, ये अभी का नहीं है, 7-8 साल पहले का है, संभाल के रखा है मैंने इसलिए अच्छा है अभी। अभी एक झुमका शेयर करती हूँ, ये भी ऑफलाइन स्टोर से, ये थोड़ा कॉपर पॉलिश में, मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा था इसलिए मैं ले ली थी। ये देखिए थोड़ा ईयर कप स्टाइल में है, ये पूरा ऐसे कान में ऐसे ऐसे बैठेगा, बहुत सुंदर है दिखने में, देखिए देख सकते हैं आप। ये भी मैं ऑफलाइन ही ली थी, बहुत ही खूबसूरत है, ये भी बहुत साल हो गया, 7-8 साल पहले का है, लेकिन अभी भी जैसा का तैसा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं बहुत संभाल के रखती हूँ अलग अलग डिब्बे में बंद करके, इसलिए अभी तक भी अच्छे हैं, ख़राब नहीं हुए। और ये तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मुझे बर्थडे पर मिला था गिफ्ट, ये मेरे भैया ने दिया था मुझे बर्थडे पे। देखिए पूरा स्टोन का वर्क है और पर्ल ऐसे पर्ल है, ये भी बहुत यूनिक सा है, ये भी बहुत टाइम पहले का है, 8-9 साल पहले का होगा। ये चोकर से देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, कॉमन है बहुत ज़्यादा। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, यहाँ पे ब्लैक इयर रिंग्स है, देखिए ब्लैक कलर की। ये भी ऑफलाइन स्टोर से, ये ऑनलाइन नहीं है, ये भी ऑफलाइन स्टोर से, साउथ इंडियन टाइप्स का डिज़ाइन है एकदम। ये सेट तो मैं ली थी, ये मैं आपको अलग से खोल के नहीं दिखा रही, ये देखिए ये मेरा वीडियो दिया हुआ है चैनल, आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं
अच्छा एक और इयर रिंग्स रह गया, दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा हेवी है, पूरा पर्ल का वर्क है, ये जो देख रहे हैं आप पूरा पर्ल और स्टोन से वर्क किया हुआ है। और ये भी बहुत टाइम हो गया मुझे लिए हुए, तो मैं एक बार भी पहनी नहीं हुई है। देखिए बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी मैं मीशो से ली थी, वाइट झुमका। ये चोकर सेट, ये भी मैं मीशो से ली थी पिछले साल दुर्गा पूजा में। ये बिल्कुल वर्थ इट है, बहुत अच्छा है। देखिए स्टोन का, इसके साथ ये मामटी का है। इयररिंग्स हैं, ये एक माउंटी का है, ये इंडिविजुअल है, ये भी ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन नहीं है। देखिए गोल्डन में भी चलिए, मैं सारे नेक पीसेस दिखाती हूँ। ये भी मैंने मीशो से लिया था, देखो टेंपल नेकलेस, मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है साउथ इंडियन ज्वेलरी। इस साल मैंने वो बैंगल्स भी लिए थे टेंपल्स के, अब देख सकते हैं मेरे चैनल में वीडियो है। मुझे साउथ इंडियन ज्वेलर से बहुत ज़्यादा ही प्यार है, पता नहीं क्यों। इसके साथ इयर रिंग्स है, महालक्ष्मी जी की मूर्ति है। चलिए ये ठीक है, ये भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये भी मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। देखिए ये ऑफलाइन से बाय किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। देखिए ये मुझे बर्थडे पे मिला था गिफ्ट, मेरे बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड ने दिया था मुझे। ये इयररिंग्स, इयररिंग्स का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। और एक मांटी का, तो बस ये था मेरा ज्वेलरी कलेक्शन। और ये दो सेट्स और हैं, वैसे ही रेड चोकर जैसे प्लेन। देखिए ये मैं और खोल के नहीं दिखा रही, बिल्कुल सेम सेम है, सिर्फ जो बीड्स के कलर है वो अलग है। तो बस ये तक था मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। मुझे भी आप लोग को दिखाने में बहुत अच्छा लगा दिखा के, तो आप कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। और आगे भी मैं लाऊंगी मेरी सारी साड़ी कलेक्शन और बैंगल्स कलेक्शन, वो भी आएगी वीडियो में। तो मेरे चैनल पे बने रहना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मैं और बेटर अच्छे वीडियो बना सकूं। तो बस यहीं तक, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।